नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अतुल एहसास। हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्राइम डिबेट में आज होने वाले एक हलचल के बारे में। यह हलचल है, बहुजन समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। 20 नेताओं की इस लिस्ट में बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद का नाम भी शामिल है। पार्टी की तरफ से घोषित नामों की सूची में पहला नाम मायावती का है, उसके बाद राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र का नाम है। इस लिस्ट में मायावती के भतीजे आकाश का सबसे अहम माना जा रहा है नाम, और मायावती ने उन्हें पिछले दिनों पार्टी के कई जिम्मेदारियां भी सौंपी है। इसी कड़ी में उन्हें पार्टी के लिए प्रचार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखते हैं एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में कई दलों ने तो प्रत्याशी भी घोषित नहीं किए, तो कई दलों ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची तक जारी कर दी है। देखिए एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियां अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। इस जीत को पाने के लिए यूपी में बसपा ने भी अपने स्टार प्रचारकों की नाम की सूची जारी की है। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे ओम प्रकाश को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। बसपा के ब्राह्मण शिरोमणि सतीश चंद्र मिश्र सेकंड टॉप पर करार हैं। साथ ही सूची में आकाश आनंद, बसपा प्रदेश अध्यक्ष आर एस कुशवाहा, समुद्दीन रॉयन, राजकुमार गौतम, नरेश गौतम, सुरेश कश्यप, महिपाल सिंह माजरा, ज्ञानेश्वर प्रसाद, राजकुमार प्रेमचंद गौतम, सतपाल पीपला, डॉक्टर कमल सिंह राज, मुरारी लाल कैन, दिनेश काजीपुर, वीरेंद्र जाटव, रवि जाटव, रणविजय सिंह, पूजन प्रसाद शामिल हैं। बीते दिनों मायावती के साथ अचानक तस्वीरों में एक युवा चेहरा नजर आया। इस युवा चेहरे की चर्चा हुई तो पता चला कि वो कोई और नहीं मायावती के भाई के पुत्र आकाश आनंद हैं। लंदन से एमबीए की पढ़ाई पूरी करके लौटे आकाश अपनी बुआ के साथ जुड़कर राजनीति के गुर सीख रहे हैं। बीते दिनों मायावती ने आकाश के राजनीति में आने की घोषणा भी की थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आकाश अपनी बुआ का दिल जीत पाएंगे या नहीं। न्यूज इंडिया के लिए यूपी डेक की रिपोर्ट। जैसा कि अभी आप एक रिपोर्ट देख रहे थे कि आकाश को इस बार स्टार प्रचारक की भूमिका में खड़ा किया गया है। यूपी की सुप्रीमो यानी कि यूपी बसपा की सुप्रीमो मायावती के भतीजे हैं आकाश, उसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही है। वैसे तो हर पार्टी अपने तरीके से स्टार प्रचारक को खड़ा करती है, और स्टार प्रचारक खड़े कहीं ना कहीं अपने हिसाब से पार्टी की बात करते हैं, और उस स्टार प्रचारकों पर पूरा चुनाव निर्भर होता है। इस बार एक नई बात जो यूपी के राजनीतिक हलकों में हलचल मचा रखी है वो ये है कि जहां परिवारवाद की बात आ रही थी, वहां परिवारवाद को लेकर ये कहानी कहीं गढ़ी जा रही है, और कहा जा रहा है कि क्या आकाश परिवारवाद में शामिल नहीं है। और एक चीज़ और, कहीं मायावती ने जब अपने भतीजे को स्टार प्रचारक के रूप में काबिज किया है, वहीं बहुत सारे नेता हैं जिन्हें स्टार प्रचारक की भूमिका में लेकर आया गया है, जिसमें कि सबसे पहले बताया गया कि सतीश चंद्र मिश्र हैं, और सतीश चंद्र मिश्र हैं उनके साथ साथ आर एस कुशवाहा, सईमुद्दीन रईन, राजकुमार गौतम और भी बहुत सारे स्टार प्रचारक घोषित किए गए हैं। हमारे बीच यहां पर संवाददाता पवन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन जी, जिस तरीके से स्टार प्रचारक के रूप में आकाश का नाम आया है, क्या हलचल है वहां? जी अतुल जी, इस समय चूंकि बीजेपी पार्टी में अभी तक इससे पहले जब शुरुआती दौर में कांशीराम जी ने इसका कमान संभाला था, उसके बाद धीरे धीरे जब उनका अवसान होने लगा तो इसके बाद बहन जी आ गई, और बहन जी के सामने ऐसा लगता था बहुत अभी तक की जो इतिहास था, अभी तक की जो राजनीति का जो स्थिति थी, लगता था कि इनका कोई वारिस अभी तक नहीं आ रहा है, और स्थितियां धीरे धीरे निकलती रही। पिछले 2017 में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें हारने के बाद फिर इन्होंने सहारनपुर में जो रैली की उसमें आकाश को, आनंद के भतीजे बेटे हैं,
बहन जी के भतीजे लगते हैं, उनके भाई का बेटा है जो लंदन से MBA करके वहां से आया है। पवन जी एक चीज बताइए, पवन जी एक चीज जो खासकर निकल कर आ रही है, एक शब्द आपने कहा कि अभी तक कोई वारिस नजर नहीं आ रहा था और आकाश के आते ही कई राजनीतिक खेमों में ये हलचल हो चुकी है कि एक वारिस खड़ा हो रहा है। जी बिल्कुल, राजनीतिक खेमों में भी और इनके पार्टी में भी ऐसा लग रहा था कि इससे निचली लाइन के जो राजनेता थे, जो लोग इनके ठीक नीचे थे, उनको लगता था कि आने वाले समय में अगर किसी समय में जब भी बहन जी का जो है वो अवसान होगा या नहीं हटेंगी इससे राजनीतिक लाइन से, तो फिर कोई और पार्टी का वारिस कैसे बनेगा, क्या होगा, बहुत चिंतन होता था। और कई बार इस मामले पे बड़ा डिस्कशन भी हो चुका है कि क्या होगा, तो अचानक इन्होंने अपने भतीजे को इस बार उतार के और उन्होंने स्टार प्रचारक में नंबर एक उसका नाम डाल के और उन्होंने एक वारिस दे दिया है बसपा के लिए। तो ये आनंद सिंह को क्यों नहीं प्रमोट किया गया? आनंद सिंह जी को प्रमोट भी कर सकते थे अपने भतीजे को प्रमोट करने की जगह। जी अतुल जी, इसमें एक बात और थी, चूंकि अभी जब से इन्होंने राजनीति में अपना एक परचम लहराया, एक बड़े लेवल पे गए, तो आनंद चूंकि बहुत सारे बिजनेस के साथ इन्वॉल्व थे और उनके साथ बहुत सारी दिक्कतें भी हैं, चूंकि वो आय से अधिक संपत्ति है और भी दो चार ऐसे मामले हैं, कई कंपनियां हैं उसमें इन्वॉल्वेशन की वजह से इनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे भी हैं और बहुत सारे कयास भी लगाए जाते हैं कि कहीं ना कहीं ये किसी मामले में इन्वॉल्व हो सकते हैं और उनको कहीं ना कहीं से वो दाग लग सकता है और दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, चूंकि ये नया लड़का है। यूपी में अगर केसेस लगे हुए हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो वहाँ की छोटी मोटी घटनाएं हैं उनके लिए। तो जी बिल्कुल अतुल जी, लेकिन समस्या इस बात की थी, उनको लगता था हम किसी चीज को नीट एंड क्लीन, और वो नहीं चाहती थी किसी झंझावात में फंस के और राजनीतिक किसी फंदे में ही रह जाए उनका अपना जो वारिस है, वो चाह रही थी बिल्कुल नीट एंड क्लीन और उसको पूरी तरह से स्थापित करके और इसको पार्टी को उसके हाथ में सौंप दें। चलिए, हमारे साथ ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से सुधीर सिंह जी जुड़ चुके हैं हमारे बीच। सुधीर जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जी नमस्कार। एक बात जहां पे चल रही है, जिस तरीके से हमारे संवाददाता पवन सिंह बता रहे थे अभी कि आकाश को स्टार प्रचारक के रूप में घोषित किया गया है और आकाश जब जो कि बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे हैं, क्या कहना है इस बारे में? देखिए, अभी आकाश का कोई राजनीतिक कोई अभी बायोडाटा तो सामने आया नहीं है, वो अभी जुमा दो तीन महीने चार महीने से वो दिखना शुरू किए हैं बहन मायावती के साथ, तो अब एक पारिवारिक वो चलता है जैसे परिवारवाद, तो उनको स्टार प्रचारक में रखा गया है। अब वो उनकी जब परफॉर्मेंस सामने आती है कि वो किस तरह कार्यकर्ताओं को जोड़ सकते हैं और अपनी पब्लिक मीटिंग जो होती है, सभाएं होती हैं, उसमें किस तरह अपने पार्टी का व्यू और राजनीतिक परिचर्चा रखते हैं, उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा कि वो कितने सफल हो पाते हैं। लेकिन ये तय है कि मायावती ने एक अपना उत्तराधिकारी जो है मार्केट में ऐसा एक संदेश दिया है कि अब आने वाले दिनों में उनकी पार्टी की कमान जो है वो आकाश संभालेंगे। तो ये जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि वारिस, जैसे हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि वारिस एक तरीके से खड़ा हो गया है, तो क्या बसपा में एक हलचल देखने को मिल रही है आपको? बसपा के जो बाकी लोग हैं जिनसे आप कभी कभार बात होती है आप लोगों की, तो कहीं पिछले कुछ दिनों में आपको लगा कि बसपा में ये हलचल है कि जहां लोग आंखें गड़ाए बैठे थे कि अब अगली बार में कहीं मेरा नंबर है, तो वहां पर कहीं लग रहा है हलचल दिखती? नहीं नहीं, बसपा देखिए, बसपा में खाता ना भाई, जो बहन जी कह दी है वही सही, तो उसमें किसी दो नंबर पर तो कोई था ही नहीं। कभी कभी कुछ नेताओं के नाम आते थे कि बहन जी के बाद उनकी चलती है, नसीमुद्दीन हुए या और भी लोग थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि कोई उत्तराधिकारी वाली कोई ऐसी चर्चा होती थी। एक समय आनंद का नाम आया, लेकिन आनंद उनके व्यवसायिक चीजें देखते हैं और उनके पैसों का मैनेजमेंट करते हैं, तो उनकी कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं रही। और ये पहली बार हुआ कि उनके परिवार से कोई आया जिसको राजनीतिक महत्व दिया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों कहीं ना कहीं राजनीतिक जो है उत्तराधिकार की जो बात आ रही है। सुधीर जी, मैं वापस आता हूँ आपके पास। सुधीर जी, मैं वापस आता हूँ आपके पास। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ अमरपाल सिंह जी जुड़ चुके हैं। अमरपाल सिंह जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जिस तरीके से बात चल रही है कि आकाश को इस बार स्टार प्रचारक की भूमिका में उतारा गया है और बार बार ये चीज हम दोहरा नहीं रहे, बाकी लोग दोहरा रहे हैं कि परिवारवाद को कहीं वापस तरजीह मिली है, क्या कहना चाहते? आकाश एक नए पढ़े लिखे नौजवान हैं और जब वो चुनाव प्रचार में उतरेंगे तो निश्चित ही बहुजन समाज पार्टी को उसका फायदा मिलेगा और उनसे नौजवान जुड़ेगा।
नहीं नहीं वो बात आपकी सही है, युवा हैं युवक जुड़ेंगे ये बात सही है, परंतु परिवारवाद की बात जहां पर गाये बगाये आप लोग भी परिवारवाद को लेके हरदम सवाल उठाते रहे, तो यहां परिवारवाद नहीं है। ये तो हर जगह पर है, कौन सी पार्टी ऐसे जहां पर ये ना हो। उत्तराधिकारी तो कोई कोई अपना देता नहीं देता, जब वो इतनी बड़ी पार्टी खड़ी किया और सब कुछ, तो वो भी चाहती है कि हमारे परिवार से भाई रहे, तो कोई भतीजा उनका लड़का कोई आ जाए तो आगे इसकी कमान संभाले, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए हमारे बीच यहाँ पर भारतीय समाजवादी पार्टी से अरुण राजभर भी जुड़ चुके हैं। अरुण जी आपका स्वागत है कार्यक्रम। अरुण जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए मैं वापस अमरपाल सिंह जी के पास आ जाता हूँ। अमरपाल सिंह जी, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि सभी पार्टियों में कहीं ना कहीं परिवारवाद शामिल है, तो कहीं आपको लगता है कि ये युवा चेहरा जिसको कि अभी जोड़ा गया है इस पार्टी से, बसपा से जोड़ा गया है, ये कुछ नया कमाल दिखा पाएंगे? आप बोल रहे हैं युवाओं के बीच में, तो इतना ज्यादा तो रहे नहीं है यूपी में कि युवाओं के बीच में एकदम जी, वो उस समय जो आवश्यकता थी सारे दलों में यूथ विंग है, और इसके अभी बहुजन समाजवादी पार्टी के पास कोई युवा चेहरा नहीं था, इसलिए आवश्यकता पड़ी और आवश्यक था कि इसमें भी एक यूथ विंग का कोई अच्छा चेहरा आवे और पढ़ा लिखा हो, अच्छी राजनीति साफ सुथरी राजनीति करे, तो उससे इनको फायदा मिलेगा। चलिए एक चीज मुझे बता दीजिए, इनके जो पिताजी हैं आकाश के पिताजी जो हैं आनंद सिंह जी, वो जब उपाध्यक्ष थे जब मायावती जी आई थी तब उन्होंने इसलिए उनको हटा दिया था कि वो परिवारवाद नहीं चाहती थी, अब आकाश को लेने के पीछे क्या कारण? वो राजनीति नहीं कर सकते थे, तो उनके पास इतने ज्यादा काम है और राजनीति में परमानेंट समय देना पड़ता है, जब राजनीति समय आप नहीं दे पाओगे तो आप किसको जोड़ोगे, किससे जब आप मिलोगे नहीं, समय नहीं दे पाओगे तो पार्टी को कोई फायदा होने वाला नहीं, इसलिए बहन जी ने उनको हटाया और उनके बेटे को आगे किया। तो ये क्यों कहा गया कि परिवारवाद को हम बढ़ावा नहीं देना चाहते इसलिए इनको हटा रही? अब भाई को परिवारवाद को उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया, भाई को हटाया, लेकिन भतीजा है, पढ़ा लिखा है, किसी न किसी को उस जगह उनको रखना ही था यूथ में, तो इससे आकाश से बेहतर और कोई चेहरा बीएसपी के पास नहीं था, इसलिए उन्होंने उसको रखा, बाहर से भी पढ़ करके आए और अब उनको राजनीति करना है। अच्छा सुधीर सिंह जी, जिस तरीके से यूपी में कहीं भी बात चलती है भुआ भतीजे की, तो आज ये कहावत सार्थक हो रही है? देखिए ये तो बेमेल समझौता है, क्योंकि हम लोग तो घूम रहे हैं और जिस तरह लोग जोड़ रहे हैं कि सपा का वोट इतना था और बहुजन समाज पार्टी का वोट इतना था, दोनों मिल गए तो इतने वोट हो गए, ऐसी कहीं कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में लगातार जो है वैमनस्यता थी, झगड़े होते थे और सबसे ज्यादा हरिजन उत्पीड़न कई मुकदमे लगे तो वो समाजवादी पार्टी के लोगों पर लड़े और खासतौर से यादवों के ऊपर लगे, तो आज भी मुकदमे चल रहे हैं, यहाँ तक कि नेता मुलायम सिंह जी के ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं गेस्ट हाउस कांड के, उनके तमाम बड़े नेताओं के ऊपर मुकदमे लगे हैं, तो उन मुकदमों को तो कोई बात हुई नहीं, तो कार्यकर्ता तो कहीं से भी जुड़ नहीं रहा, ये बेमेल गठबंधन है, ऊपर से गठबंधन नेताओं के बीच हो गया है। लेकिन अमरपाल सिंह जी कह रहे हैं कि युवा चेहरा है तो युवाओं को बहुत ज्यादा आकर्षित करेगा। देखिए युवाओं में अभी तीन चार महीने हुए और ऐसा कोई बड़ा आकर्षण नहीं है, ना कहीं किसी पॉलिटिकल रैलियों में वो भाषण दे रहे दिखाई दिए, ना कहीं कार्यकर्ताओं के बीच दिखाई दिए, तो ऐसा कहना कि अचानक कोई ये जो है कोई किसी फिल्म स्टार नहीं है, कोई बड़े क्रिकेटर नहीं है कि वो हमें बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग हो, ये एक नॉर्मल है, जब ये काम करेंगे आगे बढ़ेंगे तो शायद ये स्वीकार हो जाए, और स्वीकार लोगों को करना भी पड़ेगा क्योंकि मायावती के परिवार से है। अमरपाल सिंह जी सुन रहे हैं, अमरपाल सिंह जी सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सुधीर जी बोल रहे हैं कि ऐसा कोई चेहरा नहीं है, न कोई क्रिकेटर है, न कोई हीरो है, न कोई ऐसा चेहरा है जिसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग हो, तो युवा चेहराओं को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो ये तो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, फैन फॉलोइंग भी नहीं है। ये एक तो बहन जी के भतीजे यही बड़ी बात है, दूसरे गठबंधन के स्टार प्रचारक होंगे, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी दोनों के स्टार प्रचारक होंगे, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब आप ये मान रहे हैं अमरपाल सिंह जी कि अगर आकाश का चेहरा है परंतु उसके आगे जो मुखोटा है वो मायावती जी का है, ये मान रहे? नहीं, ये तो
गया में ये चीज तो फैली, लेकिन आकाश का जो चेहरा है वो अभी नया चेहरा है, पढ़े लिखे हैं, लंदन से MBA करके आए हुए हैं, तो जब वो जहाँ उतरेंगे प्रचार विस्तार प्रचार बनेंगे अपनी बात रखेंगे तो निश्चित ही इससे गठबंधन को फायदा मिलेगा और BSP को फायदा मिलेगा और उनसे लोग जुड़ेंगे, खास करके नौजवानों को बहुत ज्यादा जुड़ेगा। चलिए अमरपाल सिंह जी, मैं आता हूँ वापिस, हमारे साथ अरुण राजभर जुड़ चुके हैं भारतीय समाजवादी पार्टी से। अरुण जी स्वागत है आपका। अरुण जी आवाज आ रही है? हेलो अरुण जी, चलिए हमारे संवाददाता पवन सिंह हमारे साथ हैं। पवन जी, जिस तरीके से आप ये सारी चर्चा को अभी इस वक्त सुन रहे थे, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक युवा चेहरा है, युवाओं को आकर्षित करेगा, क्या लगता है आपको? आप वहाँ की जमीनी हकीकत ज्यादा जानते हैं, क्या लगता है? देखिए अतुल जी, अभी तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये एक वक्त है राजनीति में, जब तक समय नहीं दिया जाता और फुल फ्लेश टाइम देके, अभी उनको सिर्फ बहन जी के भतीजे के नाम से जाना जा सकता है, क्योंकि अभी उनकी कोई अपनी छवि नहीं उभर के आई है, उनका क्या कैरेक्टर है, क्या फेनामिना है और लोगों के बीच में क्या अपनी छवि बना पाएंगे और क्या स्थिति होगी। अभी एक जैसे नया लड़का होता है कहीं बाहर से पढ़ के आया और उसको लॉन्च कर दिया गया, अभी किसी के नाम से ही उसको जाना जा सकता है, उनकी अपनी पर्सनल छवि। अभी कहीं मीटिंग्स में जब आएंगे और उनका व्यवहार क्या होता है धरातल पे, ये देखने वाली बात होगी। और अभी नया नया लड़का है और उसको अभी बहुत सारी चीजें बिल्कुल नहीं पता, और फॉरेन से पढ़ के आया तो एकदम से नहीं पता है, क्योंकि यहाँ का लड़का जो राजनीति में घुला है, जो बसा है, उसके शरीर में, उसके ब्लड में बहुत सारी चीजें रच बस जाती हैं। तो ऐसी स्थिति अभी नहीं है, ये टाइम समय का बात है, अभी क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी स्थितियां हैं जो क्लियर नहीं हो पाती। आप देखते हैं कांग्रेस के राहुल गांधी जी हैं, बहुत सारी चीजें हैं और आती हैं, इसके बावजूद भी वो चीजें ऊपर नहीं आ पा रही हैं, ये स्थिति है अतुल जी। अमरपाल सिंह जी, एक चीज बताइए, जहां पर बसपा और सपा का एक अच्छा सा गठजोड़ है, वहां पर आप अपने तरीके से बसपा और सपा आपस में एक तरीके से गठजोड़, क्या आपके या आपकी पार्टियों में भी, अगर आपकी भी सभाएं होंगी उसमें भी कहीं आकाश दिखेगा? ये दोनों जब गठबंधन प्रत्याशी जहां पर होंगे तो दोनों सभाओं में दिखेंगे, दोनों जगह प्रचार करने का। तो आपको भी लगता है कि आपके यहां भी युवाओं को रिझाने के लिए व्यक्ति कामयाब होगा? देखिए बिल्कुल होगा, कल समाजवादी पार्टी के पास युवा चेहरा, पहले से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, उनसे बड़ा कोई युवा चेहरा नहीं है, और BSP के पास नहीं था, तो BSP में बहन जी ने एक युवा चेहरा उतार दिया, तो ये BSP की ओर को प्रभावित करेंगे, बाकी हमारी पार्टी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कोई बड़ा चेहरा है। अच्छा अच्छा, सुधीर जी, जिस तरीके से बात चल रही है कि हम एक चीज और जानना चाहते हैं, लंदन से बार बार जिस तरीके से करे हैं अमरपाल सिंह जी, कि लंदन से MBA करके आए हैं, युवा चेहरा है, लंदन से MBA करके आए हैं, क्या लगता है आपको कि जब राजनीति की जमीनी हकीकत पता नहीं होने के बावजूद भी क्या राजनीति में कोई अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकता है? देखिए लंदन से ज्यादा पढ़ाई की बात है, उन्होंने MBA किया होगा तो बिजनेस मैनेजमेंट किया होगा, ये कोई बिजनेस की बात तो है नहीं, ये तो राजनीति की बात है और राजनीति अनुभव से आती है, राजनीति कोई पढ़ने से और उससे नहीं आती है, राजनीति को समझना होगा। और जब वो क्षेत्र में उतरेंगे और कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे, जो वो अनुभव होगा उससे वो परिपक्व होंगे। तो अभी ये कहना जल्दीबाजी होगी कि वो बहुत जो है नवयुवकों के बीच जो है बहुत पॉपुलर हो जाएंगे, क्योंकि तो वो सेलिब्रिटी नहीं है, सेलिब्रिटियों की अपनी एक फैन फॉलोइंग होती है। ये तो अमरपाल सिंह जी भी, अमरपाल सिंह जी भी एक चीज ये बोल रहे हैं कि बहन जी का जो पूरा आर्थिक मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं ये देखते हैं, तो आर्थिक मैनेजमेंट देखने तक तो बात ठीक है, परंतु उसके बाद वो अलग चीजें होती हैं और राजनीति बहुत अलग चीज है, और ऐसा जो है नहीं है कि उनके आने से बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, लेकिन धीरे धीरे अगर राजनीति में आगे बढ़ेंगे तो आने वाले समय में उनसे कुछ उम्मीद की जा सकती है। एक सवाल मैंने उनसे भी पूछा था कि जब आनंद सिंह जो इनके पिता हैं आकाश के, वो जब उपाध्यक्ष पद पे थे तब मायावती ने जब अपने तरीके से पद संभाला था तब उनको सबसे पहले हटाया था और ये कहा था कि परिवारवाद को हम बढ़ावा नहीं देना चाहते, फिर ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? वहाँ देखिए, वहाँ बात परिवारवाद की नहीं थी, जिस तरह आनंद जी सारे आरोपों से घिरते जा रहे थे और तमाम उनके ऊपर आरोप लग रहे थे पैसे को लेकर के और तमाम मैनेजमेंट पैसों के जो थे वो उनके ऊपर जितनी CBI और सब निगाहें थी, इसलिए उनको पार्टी से दूर किया गया कि कल को उनके ऊपर कार्रवाई हो तो सीधा आरोप पार्टी पर न लगे, और अब तो तमाम पार्टी पर सीधे आरोप भी लग गए हैं। अब तो 4 अप्रैल भी सामने है जब वो सुप्रीम कोर्ट में डेट है, जो हाथियों पर और पार्क पर जो फैसला आने वाला है, जिस तरह मौखिक टिप्पणी की है कोर्ट ने, अगर वो कहीं लिखित फैसला आ जाता है तो बहुजन समाज पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़ी जो है एक दिक्कत आएगी,
उसको कैसे फेस करती है, ये इनका मैनेजमेंट कैसे वो करता है, ये तो आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनौतियां बहुत है और इतना आसान नहीं है कि आनंद अभी जुमे जुमे तीन महीने आए हुए, चार महीने से प्रकाश में आए हैं और कोई ऐसी बड़ी उम्मीद उनसे नहीं की जा सकती। जिस तरीके से मायावती ने मीडिया पर भी तंज कसा, मीडिया पर भी आरोप लगाया कि मेरे चप्पलों पर भी बात की गई, मेरी चप्पलों पर भी बात की गई, अब इस बार आकाश के जूतों पर भी बात की जा रही है, आकाश के लिए भी इतनी सारी बातें की जा रही है, ऐसा क्यों? देखिए मीडिया जो होती है वो पब्लिक का आईना होती है, जो चीजें मार्केट में है उसको दिखाना पब्लिक को मीडिया का काम है। और जब आप इस तरह की कोई चीजें करेंगे, जब आप कोई 10 लाख की जैकेट पहनेंगे, 5 लाख का जूता पहनेंगे, तो वो तो आप बात करते हैं गरीबों की, और 5 लाख की अगर आप सैंडल पहनेंगी, आपकी सैंडलें अगर हवाई जहाज से आएंगी, तो ये मीडिया कहेगी, इन चीजों पे आपको रोक लगाना पड़ेगा। आपको अगर गरीबों की बात करते हैं तो आपको भी अपना आदर्श ऐसा प्रस्तुत करना पड़ेगा कि आप गरीबों को कैसे दिखें, और आप अगर इतने महंगे कपड़े पहनेंगे, इतनी महंगी सैंडलें पहनेंगे, तो उस पर तो मीडिया सवाल उठाएगी। अमरपाल सिंह जी, इस तरीके के सवाल जिस तरीके से उन्होंने मीडिया के लिए भी सवाल खड़े किए हैं, तो क्या कहना है? क्योंकि अगर मीडिया के लिए सवाल खड़े हो रहे हैं, मीडिया अगर कहीं आईना दिखा रही है, तो क्या गलत कर रही है? अब ये सब चीज तो आप ही लोग दिखा रहे हैं, इसमें कोई गलत बात तो नहीं कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। जिस ढंग से आप लोग पेश करोगे किसी खबर को, उसी ढंग से तो वो होगी समाज में। नहीं तो सुधीर जी बोल रहे हैं ना कि 5 लाख का जूता, 10 लाख की जैकेट और ये सब, और कहीं आप बात कर रहे हैं गरीबों की, और इस तरीके की 5 लाख का जूता और 10 लाख की जैकेट पहनेंगे तो बात तो होगी ही। इसका कोई बिल तो दिखाया नहीं गया होगा कि 5 लाख की जैकेट है या 10 लाख का जूता है। अब ये एक कयास लगाया जा सकता होगा कि देखिए ये तो ब्रांड होती है, अगर आप रिबॉक का जूता पहनेंगे तो कोई भी समझ जाएगा कि जूता 20 से 25 हजार रुपए का होगा। तो जो ब्रांड होती है वो ब्रांड का दाम होता है, उस ब्रांड के नाम से लोग समझ जाते हैं ये कितने का है। अगर आप रोलेक्स की घड़ी पहनेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि ये 5 लाख की घड़ी है। नहीं, 20-25 हजार के रिबॉक्स कोई जूते नहीं होता, 15-17-18 हजार सब जूता मिल जाएगा। चलिए ये भी एक बहस का मुद्दा हो जाएगा थोड़े दिनों बाद कि कौन सा ब्रांड कितने का है। पवन जी मैं आप तक आ रहा हूँ। राहुल जी जैकेट पहनते हैं उसका दाम जो है मार्केट में आ जाता है। तो आजकल तो सब कुछ ओपन है ना, आप गूगल पर डालिएगा किस ब्रांड का ये जैकेट है, इसका दाम कितना, गूगल पर बता देगा कि इसका इतना दाम है। तो कोई चीज आजकल छुपी नहीं है, आप जनता को झूठ बोल के गुमराह नहीं कर सकते हैं। पवन जी जी जी, जिस तरीके से बात चल रही है कि मीडिया पर भी कहीं ना कहीं आरोप लगाए हैं मायावती जी ने, तो इससे आपको क्या लग रहा है कि मीडिया को कहां घेरना चाह रहे हैं ये लोग? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। अभी आपको बताएं, पिछले 4 महीने पहले जब वो सहारनपुर में रैली करी थी, उसके बाद आकाश को लाने से पहले 2-3 चैनल वालों ने कुछ खबरें दिखाई जिसके लिए बहन जी ने सवाल खड़े कर दिए थे, जबकि वो ऐसा नहीं था, वो स्टंट ही था। बहन जी खुद ही चाह रही थी इस चीज को विवादों में उलझा के हाईलाइट करने के लिए, उससे आकाश से जुड़े कई मुद्दे थे। पवन जी मैं वापस आता हूँ, अरुण राजभर हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं भारतीय समाजवादी पार्टी से। अरुण जी मेरी आवाज आ रही है अब तक? ये तकनीकी कुछ खराबी चल रही है। हाँ पवन जी, जो है उसमें क्या है कि वो विवादों से बहुत सारे चीजें स्टंट जैसे होता ना किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए, हाइप फैलाने के लिए, तो ये विवादों में बहन जी ने उसमें बड़े तलख आवाज में कई चैनलों के लिए अल्टीमेटम दिया था कि मैं कांतिराम के साथ काम कर चुकी हूँ, उनके शिष्य हूँ, क्योंकि कांतिराम ने एक जमाने पहले एक दैनिक जागरण का एक स्टंट हो गया था उस समय, तो उसी बिहार पे उसी टोन पे बहन जी ने बोला था अभी मुश्किल से 2-3 महीने पहले। तो वो बहुत सारी चीजें हैं कि मीडिया तो बिल्कुल आईना दिखाती है और धरातल पे खड़ी रहती है, हमेशा कदम से कदम मिला के चलती है। तो मीडिया पे अब वो इक्का दुक्का कहीं कुछ हो जाए तो नहीं कह सकते, नहीं तो मीडिया तो पूरी तरह से एकदम पब्लिक के लिए खड़ी रहती है। अतुल जी सही कह रहे हैं आप, मीडिया तो हरदम खड़ी रहती है। और जहां पर मैं वापस अमरपाल सिंह जी के पास आना चाहता हूं, स्टार प्रचारक की भूमिका में आकाश को लाया गया है, अब आकाश की जो भूमिका है वो अब आपको अंतिम 2 लाइनों में बता दीजिए कि आकाश की भूमिका यूपी के चुनाव में कितनी सुगढ़ और सघन रहेगी। ये अतुल जी, जहां तक मेरा अनुमान है, जब ये स्टार प्रचारक के रूप में रैलियों को संबोधित करने जाएंगे तो निश्चित ही
इसका गठबंधन पर असर पड़ेगा। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बहुत समाजवादी पार्टी के पास कोई नया चेहरा नहीं था और आकाश अच्छे स्टार प्रचारक साबित होंगे, मैं कह सकता हूँ। सुधीर सिंह जी, इनका कहना है कि बसपा के पास कोई नया स्टार प्रचारक नहीं था या नया कोई चेहरा नहीं था, ये मान लेते हैं या फिर ये मान लेते हैं कि आकाश के चेहरे के आगे या एक कहीं ना कहीं मुखोटा मायावती जी का होगा? अब आप लिस्ट उठा के देख लेंगे, जो बहुजन समाज पार्टी की लिस्ट आई है जो, तो मायावती जी को और सतीश चंद्र मिश्रा जी को छोड़ दीजिए, तो ऐसा कोई भी नाम आपको नहीं दिखेगा जो उत्तर प्रदेश के लेवल पर जो फेमस नाम हो। तो उनके पास स्टार प्रचारकों की कमी है, उनकी सबसे बड़ी स्टार प्रचारक मायावती जी है, उसके बाद कुछ हद तक सतीश मिश्रा है, उसके बाद कोई नहीं है। तो ऐसे में जैसे आकाश है और लोग हैं परिवार के नाम पे, अगर थोड़ा सा पॉपुलर होते हैं तो शायद बहुजन समाज पार्टी को कुछ मदद हो जाए, वरना स्टार प्रचारकों का एकदम टोटा है बहुजन समाज पार्टी के ऊपर, और समाजवादी पार्टी के ही लोगों से जो है बहुजन समाज के प्रत्याशी भी जो है अपना काम चलाएंगे, ऐसा देखने में लग रहा है। चलिए, आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े हमारे साथ और खासकर जिस तरीके से आकाश को जो स्टार प्रचारक की भूमिका में उतारा गया है, चर्चा में लग रहा है कि कहीं खलबली भी है राजनीतिक हलकों में कि ये एक वारिश मायावती के रूप में खड़े हो रहे हैं और मायावती के रूप में एक नया वारिश की भी चयन हो चुका है, ये सब चर्चाएं चलती रहेगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।